अभी तक जो बात कही उस पर एक श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अत्र श्रुति ही, इस विषय में श्रुति है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहितानि गयन्ति तुरियं वाचं मनुष्या वदन्ति इति। चार प्रकार से वाणी परिमित हो गई, उनमें से चार कह दिया जाता है, एक तो अपरिमिता है, उसे तीन परिमित। तानि विदुः ब्राह्मणा, उन्हें वेद वेत्ता लोग जानते हैं, और जो योगी आदि है अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं वे जानते हैं। इनमें से तीन ऐसा रूप है जो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, आपके हृदय में। गुहा त्रीणि निहिता, मैंने गुहाया कौन है वो, परा पश्यंती मध्यमा, और एक ऐसा है जो चौथा, वह वाणी के रूप में मनुष्य लोग उससे बोला करते हैं। वही ईश्वर का स्वयं विस्तृत अर्थ करने जान कर दिए। अस्यार्थ चत्वारी माने चतुर संख्या कानी, वाक माने वाची, वहां तो प्रथमा थी, आपने सप्तमी कैसे कर दिया, अरे श्रुति में सप्तमी अर्थ में प्रथमा प्रयोग हो गया। छांद वाणी माने वाक के मामले में, वाणी विषय में चार प्रकार के पद माना गया है, परिमिता परिमितानी पदानी माने वाक्यानी। कौन कौन है वो, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी संजकानी तानी तानी पदानी विदुः ब्राह्मणा वेदविद, ऐसा वेद वेत्ता लोग जानते, और ये मनुष्य न धीमंत योगी नोवा, बुद्धिमान लोग और योगी लोग भी जानते। गुहा मैंने गुहाया मंत्रे, इस हृदय की गुफा में त्रीणि पदानि कौन, परा पश्यन्ति मध्यमाख्यानि निहितानि, निक्षिप्ता अन्येंगयन्ति न चलयन्ति, स्थूल रूपेण चलायमान होकर अनुभव में नहीं आते हैं। मध्यमा अंदर में क्या है, तीन परा पश्यन्ति मध्यमाख्यानि निहितानि निक्षिप्ता न बहिर्निसरन्ति इत्यर्थः, नेंगयन्ति न चलयन्ति माने बाहर स्थूल रूप में प्रकट नहीं हो। और तुरियम चतुर्थम पदम, चौथा पद तुरीय पद, वो तुरी नहीं लेना, इन चार में चौथा, पहला कौन यहां लिया था पराग, दूसरा उसकी कारण रूपा पश्यन्ति सूक्ष्म कार्य रूपा मध्यमा, और चौथा से लेना यहां वैखरी, वैखरी आख्या वाचा भारतीया मनुष्य वदन्ति, भारतीय शब्द भाषा रूप आया, मनुष्यों के द्वारा वाणी से भाषा के रूप में बाहर प्रकट सुनाई देता है। जलपंती बोलते हैं इसका, तस्मात मध्यमाया व्यष्टि रूपाणी वामादि शब्द वाच्य है, इसलिए मध्यमा क्या है, व्यष्टि रूप है, वामादि वाच्य है। नव त्रिकोण चक्राणी नव त्रिकोणात्मक चक्र इति सिद्धम, इसी बात को कहा भी यथोक्तम चतुष्त्याम, चतुशति सप्तशति त्रिशति, ऐसे ग्रंथ अलग अलग है, 300 श्लोक बाद त्रिशति भी एक है, 400 श्लोक वाली चतुशति है, एक सप्तशति है, 700 श्लोक वाला अलग अलग है। चतुशति में लिखा चतुर्भिः शिवचक्रैश्च, अग्नि शिव को ही कहा है, देखो चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पंचभिः शिवशक्तिमयं जेयम् श्री चक्रम शिवयोर वपुः, चार चक्र शिव चक्र, पांच चक्र शक्ति चक्र, इस प्रकार से शिव शक्ति मय है श्री चक्र, ऐसे जानना चाहिए। अर्थात शिव शक्ति का ही शरीर है ये श्री चक्र, शिवयो मैंने शिव शक्तियो वपुः, इस प्रकार से द्वितीय मंत्र के पहले पाद का वर्णन पूरा हुआ। पहले पाद में था नवयोनिर नव चक्राणाम दीधीरे, यह इतना की व्याख्या, उसके बाद नवैव योगा नवयोगिनिश्च दीधीरे, दीधीरे का नवय सब जगह जोड़ेगा क्रियापद का,
नवयोगा दीधीरे, नवयोगिनीश्च दीधीरे। अब उसके लिए अवतरण का मूल प्रकृति रूपाणाम नवानाम रेखाणाम संयोगादपि नवयोगित्याह। मूल प्रकृति का ही द्योतन करने वाले नौ रेखाएं जो खींची गई उनके संयोग से नौ ही वहां पर त्रिकोण बनाया गया है। नवयोगा नवयोग मने नवानाम रेखाणाम, इन नौ रेखाओं का योग जोड़ से त्रिकोणत्व संपादक प्रांत रेखा द्वय संयोग। अच्छा त्रिकोणत्व को संपादन करने वाले जो अंतिम रेखाएं प्रांत रेखाएं हैं उनको भी उन दोनों का संयोग से कुल ये नव संख्या का एव धीरे, नव संख्या वाले ही योग या जो चक्र निर्माण हो जाते हैं। एव धीरे भी अन्वय प्रसंगवशात पूरे श्री चक्र को कैसे लिखा जाता है वो बताने। श्री चक्र लेखनम, श्री चक्र को कैसे लिखा जाए, रेखा डालिए एक बड़ा उसे छोटा उसे छोटा, फिर इधर भी ऐसी तीन डालिए इधर भी ऐसी तीन डालिएगा क्या होगा, उल्टे सीधे त्रिकोण बन जाएंगे। त्रिकोण बनाने के और पश्चिम भाव से यहाँ तीन लगा दिया आपने छोटे बड़े, उधर से भी छोटे बड़े लगा दिए और यहाँ जोड़ दिया तो त्रिकोण बन जाएंगे ऊर्ध्व और अध त्रिकोण बन। उसको कैसे बनाना क्या तरीका है वो बताने का एक तर, वो भी दो प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रियाओं को यहाँ संकेत करते हैं। एक सर्वम चक्र लेखना परिज्ञाने ज्ञातुम दुष्क, ये सारी बातें जो श्लोकबद्ध कहा मंत्र का व्याख्या में समझाया गया उसको चक्र लेखन के प्रज्ञान में जानना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए चक्र लेखन प्रकार चक्र लेखन प्रकार निरूपित है, तो चक्र को लिखने की प्रक्रिया को हम बताएंगे। हाँ रेखा है रेखा पे ना भूपृष्ठ, भूपृष्ठ ही लेना है मेरे पृष्ठ नहीं, भूपृष्ठ में बनाने के लिए। सच द्वि प्रकार सृष्टि क्रमेण संहार क्रमेण चैति, दो प्रकार से होता है, सृष्टि क्रम से भी होता है संहार क्रम से। सृष्टि क्रम से जो होता है वो वाम मार्गी लोग करते हैं और संहार क्रम से जो होता है वो कौल मार्गी करते हैं। वही करें यद्यपि संहार क्रमेण लेखनम कौल मार्ग एवं, संहार क्रम से करना कौल मार्ग प्रक्रिया है, तथापि नवयोनि परिज्ञानार्थम सब प्रकार निरूपते, फिर भी नवयोनि का परिज्ञान कराने के लिए हम उसी संहार प्रक्रिया से ही चक्र बनाने की तरीका बताने जा रहे हैं। आगे सृष्टि क्रम से भी वाम मार्ग का भी बताएंगे महोपनिषद के आधार पर। कुले भवम कौलम, कुले भवम कौलम कुल में जो होता है उसका नाम कौल। कुल किसे कहते हैं, कुल किसको कहते हैं, वो तो रूढ़ अर्थ आपने कर दिया, कुल मने खानदान है गुरु परंपरा है गुरुकुल है कुल बोल देते हैं हम लोग, तो सामान्य अर्थ हो गया। कुल एक धातु है, कुल धातु स्वयं एक धातु है ज्ञान अर्थ में, जैसे कुल शब्द का अर्थ कुलयति थी कुलम माने ज्ञानम, इसे कौल मार्ग माने ज्ञान मार्ग और वाम मार्ग में ज्ञान नहीं, वहां तो क्रिया प्रधान मार्ग कर्म प्रधान, कौल मार्ग ज्ञान प्रधान मार्ग होता है। इसे ज्ञान मार्ग में संहार प्रक्रिया को लेते हैं और उनको तो सृष्टि पैदा करनी है, वो सृष्टि क्रम से वो चलते हैं वाम मार्ग भी, और समय दोनों अलग, इन दोनों से अलग हो जाता है, प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं, वो समय मार्ग ही है वो सर्वोत्कृष्ट है। वो कुल संज्ञान ही ज्ञानी ऐसी धातु है बात अनेकाश धातुओं में है।
तथापि नवयोनि परिज्ञान के लिए संहार प्रक्रिया से ही हम उसको पहले लेखन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पुरत्तो वृत्तम मालिक्य, सामने एक गोल लिख दो, बिंदु बनाओ पहले, गोल बिंदु, एक छोटा सा गोल लिख दो। फिर क्या करना, तन मध्य नवलेखा विलिख्य, उसको बीच में बना करके ऐसी लेखाएं, नौ लेखाएं लिख ली, नौ रेखाएं लिख ली। नौ रेखा कैसे लिखनी है बता रहे, पश्चिम रेखा प्रांताभ्याम त्रिकोणम उत्पाद्य, दिशा भी बना लो, सामने को पूर्व, इधर पश्चिम, इधर जब पूर्व पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, दिशा भी लिख डालो तभी ये बनेगी। फिर पश्चिम रेखा प्रांत, पश्चिम रेखा के किनारों से अगले पूर्व दिशा में रहने वाले के साथ जोड़ दीजिए बिंदु के साथ, तब क्या होगा, एक त्रिकोण बन गया। फिर इधर से इधर दूसरी बनी, उधर से उधर, तीन बन गया। फिर विपरीत में भी जोड़िए, उनके किनारों को यहाँ के बिंदुओं के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, सीधे में तीन, उल्टे में तीन, और वास्तविक विभाजन बना के देखोगे नौ त्रिकोण अंदर हो जाए। लिखेंगे तो पता चलेगा, लिख कर देखेंगे ना तो समझ में आएगा। पश्चिम रेखा प्रांतों से त्रिकोण उत्पादन करो, फिर स्वापेक्षा षष्ठ्या रेखा रेखा या योजित, अपनी अपेक्षा से छठी रेखा के साथ उनको जोड़ना है। जोड़ना कौन सी, नौ रेखाएं बन गई तो उनमें से यहाँ के किनारों को वह छठी का बीच में जोड़ देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, नौवें में नहीं चले जाना, छठी में जोड़ देंगे। और इसी प्रकार से एवं प्राक रेख प्रांताभ्यम पूर्व दिशा की रेखा के किनारों को त्रिकोण उत्पाद्य स्वापेक्षा सप्तम्य रेखा योजित, सातवीं रेखा का बीच में जोड़ देना, इससे छठा सातवां और स्वापेक्षा आठवां, जब यहां से ऊपर के साथ जोड़ रहे हैं तो वहां से जोड़ेंगे तो पहली दूसरी तीसरी नीचे उधर की यूं आएंगे, आप सिलेंडर देखेंगे स्पष्ट होता है। पश्चिम द्वितीय रेखा प्रांताभ्याम, पश्चिम दिशा में विद्यमान द्वितीय रेखा के प्रांतों से त्रिकोणम उत्पाद्य स्वापेक्षी अष्टम्या रेखया योजित, तथा प्राक पश्चिम तृतीय रेखा प्रांताभ्याम घट षटकोणम आदि, इस प्रकार से वो अपने आप में षटकोण बन जाएगा, आप जोड़े हैं केवल स्वतः ही वो षटकोण बन जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ जो विचित्र है, जो दक्षिण भारत में ज्यादा होती है, यहाँ तो हमने देखी नहीं, स्त्रियां जो घर के सामने अपने रेखा लगा देती हैं और रंगोली बना है, रंगोली सिस्टम दिन है, वास्तु दिखा के ना क्या रहे, विभिन्न चक्रों को बना रहे, चक्र बन रहे, अब वो यूं यूं करके फूल जैसे बना देती हैं, यदि वो कोनों को जोड़ दे तो क्या होगा, त्रिकोण बन जाए। कई लोग त्रिकोण बना भी देते, त्रिकोण बना के ऊपर फूल जैसे बना देते, जो ऐसा केवल यूं यूं लगा दिया और यूं बना देते हैं तो फूल जैसा हो जाता है ना, वो यूं जोड़ देंगे तो त्रिकोण होगा, यूं जोड़ रेखाएं जा जोड़ दीजिए क्या होगा, त्रिकोण बनेंगे नहीं बनेगा, ठीक है क्यों नहीं, सीधा आप बनाए ना बोल तो आपने अपने रंगोली है कि अच्छा लो, उसमें चक्र दृष्टि से कर ही नहीं रहे ना, बहुत एक फैशन हो गया, एक आर्ट बन गया, वो कला रूप में बना रहे ना, एक कला है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा ऐसा नहीं थी, वो है यंत्र बनाया जाता घर की कुशलता के लिए, पहले जब जानकारी होती थी लोगों को, आजकल कुछ जानकारी है नहीं कौन सा यंत्र बनाना चाहिए, घर के लोग ब्राह्मण किस तरह से बनाए, छत्र किस तरह से बनाए, और किस प्रकार का आपका व्यापार है, किस प्रकार क्या काम धंधा वगैरह, सब पर निर्भर होकर के निर्णय होता है कि घर के सामने क्या रंगोली डालना, इतना कौन ज्ञान कर रहा है, इसकी जानकारी हो, उन चक्रों का भी जानकारी हो, तब वो अपने पत्नी को बेटियों को सिखाएं कि हमारी कुल परंपरा ऐसी है, हमारे ये व्यापार होता है, हमारी ये चीज, आजकल निर्णय होना मुश्किल है कि सारे कुल परंपरा धंधा होंगे सब तो छूट ही गया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कर रहा उल्टा सीधा, वो इसलिए पद्धति हमारी टूट गई, पहले सब ज्ञान इसलिए रहता था
क्योंकि वो उस प्रक्रिया से चलते थे, शत्रु से क्षत्रिय वही उनके व्यापार जो था वो भी वही चला रहे हैं, बदलते नहीं थे वंश के वंश, इसलिए वो चीजें उनके सिस्टम घर में बनाते थे और हमेशा संपन्न थे वो लोग, कभी बिगड़ी नहीं। अब वहीं पर इसलिए अंग्रेज और मुसलमान क्या किया, लालच देकर उनको तोड़ा, उनको मंत्री बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ बेवकूफ बच्चे जो है वासना संस्कार वशात पद की इच्छा में लोभ में आकर फंस गए, वहीं से बर्बादी शुरू हो गई, अपने धंधा छोड़ा, अपनी निष्ठा छोड़ा, अपने परंपरा को छोड़ा, अन्यत्र चला गया, और तो उन्होंने क्या गुरु को मार भी दिया। इस तरह सारी वो परंपराएं बिगड़ गए, लेकिन एक एक कलाकार में रह गया वो चीज, कलाकार बना। ये चीजें अभी भी है, कुछ बहुत कम लोग जानते हैं कि हमने, हमें याद है कि जब हम बहुत छोटे थे एक बार नानी आई थी घर, अपने घर पे, और माता जो है सवेरे गए धो धा करके रंगोली बना दी वहां पर, कुछ रंग डाल। अब उस दिन शायद मंगलवार की पता नहीं कौन वार था, याद नहीं मेरे को, काला रंग इस्तेमाल हुआ था उसमें, नानी ने बहुत डांटा, माँ को बोला ये क्या तुमने कर, ये रंग कैसे तुमने यहाँ डाल दिया, मिटाओ, धो पूरा दोबारा, पूरी धुलाई दोबारा बनवाया। हमें नहीं समझा तो छोटे थे उस समय, बहुत बाद में जब ऐसे विचार आने लगे तो याद आते, देखो वो उनको ज्ञान रहा है, उन्हें देखा कि ये ऐसे रंग डाले जिससे तो हानि होने वाली है इस घर में, तुरंत उन्होंने मिटवा दिया, दोबारा बनवाए, अपने हिसाब से रंग डलवा दिया, और समझा दिया कभी ऐसे, उनको समझाया कि कौन सी वार में क्या रंग इस्तेमाल किया, कैसे बनाना किया है क्या नहीं, वो तो माताओं में रह गया विद्या, हमें तो पता नहीं। लेकिन बाद में भी हमारी सबसे बड़ी दीदी थी, वो सीखती थी माँ से, और नानी से पूछ पूछ के सीखती थी, तो उनके पास आज भी होगी वो विद्या, उन्हें मालूम होगा किस बार में कैसे रंग से कैसे बनाना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में किस तरह से बनाना चाहिए। वो एक थी चक्र परंपरा, बार भी विभिन्न चक्र निर्माण होता, इसे उन लोगों को सीधा तो सुनेंगे ना वो, ऐसे ऐसे रेखा खींचो तो अपना बना दो फटाफट, हम आपके सुनने की बात समझ में नहीं आती, क्या है प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी तब समझ, किसी छुट्टी दिन बैठ के प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोगात्मक भी होना चाहिए ना इसका, वो दूसरे यंत्रों को हमने हाथ से बनाया है, जो यंत्र के नीचे रखा है वो हाथ से बने, अलग अलग जो है रंग इस्तेमाल करके, उसमें भी अलग अलग रंग इस्तेमाल करके, एक तो लिंग तो भद्र भी बनाया है हमने, और पूर्व यंत्र भी बनाया, अक्षर भी अलग अलग रंग के लिखने पड़ते हैं, यंत्र के अंदर जो अक्षर होते हैं वो भी अलग अलग रंग से, वो हमने हाथ से बनाया है। तो इसकी ज्ञान परंपरा से भी आ जाती है, तभी होता है, सिर्फ देखिए। तथा क्या कर रहा, प्राग प्रक्षेप तृतीय रेखा प्रांताभ्याम षटकोण मालिके षटकोण मध्यम स्थित ह्रस्व रेखा तृतीय, है ना, मैंने कहा ना ह्रस्व मध्यम और लंबी रेखा तीन तीन होती है दोनों तरफ से, इसलिए करेंगे ह्रस्व रेखा को ले लो उसके साथ जोड़ो, पश्चिम रेखा प्रांताभ्याम त्रिकोण उत्पाद्य स्वापेक्षा पंचम्या योजयेत, एवं प्राग रेखा प्रांताभ्याम त्रिकोण उत्पाद्य स्वापेक्षया पंचम्या योजयेत, मध्य स्थित अतिह्रस्व रेखा प्रांताभ्याम त्रिकोण उत्पाद्य स्वापेक्षया तृतीय रेखा योजयेत, एतत् कौलमतम नवयोनिचक्रम भवति। इस प्रक्रिया निर्माण करेंगे, कौल मत के अनुसार निर्माण की प्रक्रिया बताएगी, सृष्टि क्रम से करोगे तो ते लेखन प्रकार महोपनिषद प्रतिपादित वाम मार्ग की पद्धति महोपनिषद में वर्णन आया है, वो पता है यथा देवा वही भगवंतम ब्रुवन, सब देवता लोग प्रजापति भगवान के पास पहुंचे और कहा महाचक्रम चक्र नायकम नो ब्रूही, ये भगवान हम लोगों के लिए महाचक्र चक्रों का राजा चक्रराज है उसके बारे में हमें बताइए, सर्वकामिकम सर्वाराध्यम सर्वरूपम सर्वतोमुखम मोक्षद्वारम, और देवताओं ने प्रजा से कहा उस चक्र का विशेषण दे रहे, देखिए वो चक्र कैसा है, सकल कामनाओं को देने वाला, सभी के द्वारा आराध्य है, सर्वरूप है वो, संसारोप ही है वो, और सर्वतोमुखम माने अनंत स्वमुख वाला विधा वाला है वो, मोक्षद्वारम यद्योगिनः प्रपद्य
परम ब्रह्म भूत्वा निर्वाण उपदिशन्ति, जिसे योगी लोग गुरुओं से प्राप्त करके उसका अनुष्ठान पूजा पाठ उपासना के द्वारा साक्षात पर ब्रह्म को ही प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जब देवताओं ने कहा, तान सहोवाच भगवान, वह भगवान ने उन लोगों के लिए जवाब में कहा, सुनो श्री चक्र व्याख्यास्याम, मैं श्री चक्र का व्याख्यान करने जा रहा हूं। आद्यम त्रिकोणम त्रिश्रम कृत्वा, प्रक्रिया दूसरा जगह, पहले त्रिकोण बना दो, एक त्रिकोण ऐसे कर, एक त्रिकोण बना दिए छोटा सा, तद अंतर मध्यवर्ती मान यष्टि रेखाम आकृष्य, तदंत उसके भीतर में वर्तिमान यष्टि रेखा, एक यष्टि लंबा ना बता दी कितनी लंबी, ऐसी एक रेखा को लिख दीजिए। फिर विशालम नीत्वा, जो विशाल इसको बना करके अग्र तो योनिंग कृत्वा, उसके आगे में यूं मोड़ कर देना, मोड़ करके छोड़, ऐसे करके कृत्वा पर्व योन्यग्र रूपिणी मानेष्टि रेखां कृत्वा, उस पर्व के अग्र भाग में, पर्व योनि के अग्र भाग में फिर एक यष्टि लंबा रेखा दोबारा लिखनी है। ताम सर्वोर्ध्वा यष्टि, ना बताऊंगा यष्टि कितने बोलते हैं वास्तव में, हर व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से यष्टि एक साइज नहीं होता, इतने सेंटीमीटर ऐसा नहीं बोल सकते, आपके हाथ के अनुसार आपका यष्टि बनेगा नाप, जैसे अर्थ नहीं होता है, हमारे को फिक्स नहीं अर्थ नहीं नाप, यू नाप लिया, यहाँ जो है ना हड्डी यहाँ होता है, इस हड्डी से इस पॉइंट का एक अर्थ नहीं होता, एक हाथ में यूँ लंबा करोगे यहाँ से यहाँ तक, आप अपने एक हाथ के अनुसार, अब यज्ञ के जब कुंड बनाते हैं इसलिए हमारा फिक्स साइज नहीं है, ऐसे लोहा वहा का बना के लाते बिल्कुल फ्रॉड है, यज्ञ थोड़ी है ये, लोहे की बनाया हाउस में जो हवन कर रहे हैं वो तो फिक्स है, और यजमान का तो नहीं है ही नहीं, तो कैसे बनेगा, एक हाथ डेढ़ हाथ दो हाथ, एक ही कुंड बनते अलग अलग कर्मों की धार आधार पर, उससे पहले यजमान का नापना पड़ेगा, मुख्य कुंड होता है उसको, मतलब तो ठीक है, स्थंडिल पे करना गलत नहीं है, उसको स्थंडिल बोलते हैं, कुंड नहीं है वो, स्थंडिल कर भी विधान है, स्थंडिल पर बना सकते हैं, रेत का स्थंडिल बनाइए, मिट्टी का स्थंडिल बनाइए, गोबर का स्थंडिल बनाइए, उस पर यज्ञ कीजिए, फिर उसका भी चौड़ाई नाप होगा ना आदमी का, यजमान के हाथ से नपेगी वहाँ उतनी स्थंडिल बनेगी, उसी में और रेखा डाल रखकर, भले चौड़ा ज्यादा हो कुछ भी हो हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन नाप के हिसाब से उसको मार्किंग हो जाएगा, उसी के अंदर आहुति पड़ेगी लकड़ी, वो इम्पोर्टेंट है ना, हर आदमी के हिसाब से होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो बोला जाता है शास्त्रों में, ये सेंटीमीटरों में फीटों में गजों में नहीं बोला जा सकता है, यजमान पर निर्भर है, लंबा आदमी है लंबा चौड़ा हाथ, दूसरे हाथ की लंबी आ जाएगी ना, अपन जैसे डेढ़ फुट थोड़ा रहेगा, दो पौने दो फुट वाले हाथ भी हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बताया जाता है व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो जाता है। फिर कह दिया मानेष्टि रेखां कृत्वा ताम सर्वोर्ध्वाम कृत्वा योनिं कृत्वा आद्यं त्रिकोण चक्रम भवती, फिर उसको सर्वोर्ध्व उठा करके वहां भी योनि आकार बना देना, तो पहला त्रिकोण तैयार हो गया, मुख्य बड़ा वाला। द्वितीय अंतरालम भवति, द्वितीय जो है फिर निश्चित अंतराल को लेकर करके बनानी है, निर्भर होता आप कितने बड़ा चक्र बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो एक एष्टि से नाप का बनाओ, दो एष्टि नाप का बनाओ, तीन एष्टि नाप का बनाओ, हर यंत्र का आप मृत्युंजय यंत्र देखिए, आप कभी जाइए उज्जैन में महाकाल, लक्षण है वहां महाकाल ऊपर में बहुत बड़ा पूरे छत के साइज का महामृत्युंजय यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र ऊपर से नीचे शिव जी का नीचे श्री यंत्र स्थापित है, दो यंत्रों का बीच में वो शिव जी अत्यंत सुरक्षित, इसलिए दिव्य शक्ति उसके अंदर, छत में वो जो बनाया वो तांबे का है पूरी, उस जमाने इतने मोटे चद्दर पे उसको धोते नींबू पानी से चमकाते हैं, उसको भी
डाल के पूजा होता है। और नीचे श्रीयंत्र है, वो कहते हैं कि भाई स्थापित है परंपरा से ज्ञात, इसलिए श्रीयंत्र की पूजा दिखते तो है नहीं, तो नीचे स्थापित है, इसलिए बाहर में वो छोटा सा रख करके उसी के प्रतीक रूप में पूजा पाठ, दोनों यंत्रों की पूजा करके तब शिव जी की पूजा होगी। इसे कोई उस पर तार रख दे, उसको पर एक मंदिर बना दे, शिव जी रख दिया वहां पर उत्तर हिस्से में कवर कर, ऊपर आपने देखा होगा ऊपर एक और मंदिर है महाकाल नीचे, उसके ऊपर दूसरा मंदिर शिव जी, अधिकतर लोग ऊपर ही चले, ऊपर ऊपर चले जाते दर्शन करके, पता ही नहीं नीचे असली है। आप क्यों सिस्टम में जाओ या अलग सिस्टम से जाओगे तो पता चलेगा, ऐसे घुसोगे तो पता नहीं चलेगा। ये विशेषता रही है कि किस प्रकार से उसको दिव्य शक्ति संपन्न करना है, यंत्रों के इस्तेमाल होते हैं। बद्रीनाथ में भी कहते हैं श्रीयंत्र के ऊपर स्थापित, अधिकतर शंकराचार्य जहां भी गए श्रीयंत्र के बहुत वो थे, उसको बिल्कुल अपने शक्तिपात करके उसके शक्ति डाल करके फिर उसको स्थापना कर देते, उसके ऊपर फिर मूर्ति मूर्ति प्राण प्रष्ठा उनके हाथ से, इसलिए आज तक देखो लाखों को आकर्षण कर रहा है मूर्तियां, तो हजारों मंदिर स्थापना हो रहे कहां लोग जाते हैं, वहां तो कुछ भी घटना घट रहा है अगले साल तक फिर भीड़ रहेगी, वैसे नहीं होने वाला और बढ़ेगा। इसलिए ये जो चक्रों की विशेषता कैसे बनाने बताया इन्होंने, उसके बाद क्या करना है करें, अथा अष्टार चक्राद्यंत विधि कोणाग्रत, अष्टार चक्र निर्माण करनी है, आठ अराओं वाली, आठ अराएं लिख करके आकार बना लेना, आठ अराएं यूस होते हैं जैसे स्पोक्स होता है ना वैसे अराएं, आठ अष्टार चक्र बोलते हैं उसको, आद्यंत विधि कोणाग्रत, विधिक बने पूर्वोत्तर का बीच है ना, पश्चिम उत्तर का बीच, उसको विधिक को कौन, दिक कौन है और विधिक कौन, उनके अग्रतो रेखाम नीत्वा साध्यादि आकर्षण बद्ध रेखाम नीत्वा इत्येवम अत ऊर्ध संपुट योन्यंकितम कृत्वा, फिर उसे क्या करना, साध्यादि देवियों की स्थापना करने वाले उन रेखाओं की स्थापना करने के बाद ऊर्ध संपुटित करके योनि बनाओ, जिसको करने के बाद उसमें कक्षाभ्य ऊर्ध रेखा चतुष्टयम कृत्वा, कक्षा दर कक्ष के रूप में ऊर्ध चार रेखाएं लिख दी, यथा क्रमेण मान यष्टिद्वयेन दशयोन्यंकितं भवति, आगे ना मान यष्टिद्वय, अब तो एक यष्टि नाप बोल रहे थे, वहां दो यष्टि नाप वाली बनाने डबल साइज कृत्वा, कहते हैं दशयोन्यंकितं भवति, उसके दश योनियों को अंकित हो जाता है, क्योंकि दस देवियां बैठती हैं, इसे क्रम बताएंगे आगे श्लोक में, 28, 16, 8, 14, 10, 10, 8, 3 और 1, कुल 98 देवियां इस नौ चक्र में मुख्य, 380 है वो बात अलग है, सबको लेकर टोटल इन प्रमुख जो है इनके प्रांतों में बैठे हुए मुख्य जो भुजाओं बैठे हुए ये जो है कुल 98 गिनाएंगे, अभी वो 98 को नौ भाग बांटेंगे, उसको नव योनि कहा जाता है, नौ चक्रों में बैठेंगे, एक में 28, एक में 16, एक में 8, एक में 10, एक में 10, सब अब आने वाला है सारे बताएंगे। उसके बाद कहते क्या करना, अनेन प्रकार पुनर्दशारं चक्रं भवति, इसी प्रकार से पुनः अष्टार जैसे बनाया अब दशार चक्र भी बनाई जाएगी, मध्य त्रिकोणाग्र चतुष्टया रेखा च आराग्र कोणेषु ऊर्ध्वं योनिं संपुटं कृत्वा मध्य चतुष्टय कक्षाभ्यो रेखा चतुष्टयं कृत्वा दशाराग्र कोणेषु संयोज्य तद्दशारांशतो नीतां मानयष्टि रेखां योजयित्वा चतुर्दशारं चक्रं भवति, इसे चतुर्दश अर वाले भी चक्र बनाना है। इसी प्रकार आगे 16 षोडश पत्र संवृतम चक्रम चतुर्द्वारं भवति, फिर वो कहां जाएगा, चतुर्द्वार एकदम बाहर वाला चौकोर आएगा जिसमें चार द्वार बने रहे, षोडश पत्र समेत हो गया, तथा पार्थिवम चक्रम, फिर वहां भी तीन है ना, पार्थिवम चक्रम चतुर्द्वारं भवति,
एवं सृष्टि योगेरा चक्रम व्याख्यातम एतन नवात्मकम इति। सृष्टि क्रम से उत्पत्ति का क्रम को लेकर के, उत्पत्ति क्रम क्या होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना सृष्टि, यहाँ पर क्या है नीचे से ऊपर नहीं, नीचे संहार हो गया पृथ्वी जल, जल में अग्नि संहार हो गया, वहां तो उल्टा है, पहले त्रिप्राथी अकेली, फिर वहां से त्रिकोण बिंदु बनी, बिंदु से त्रिकोणात्मक हुआ, त्रिकोण से चतुष्कोण बनते गया, ऐसे करते 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 पृथ्वी तत्व अंत में आता है सबसे लास्ट में नीचे चौक, वो पृथ्वी तत्व का दिवस। एवं योगाश्च नवैव चकासति इत्यर्थ। इस प्रकार से नव योगाः मन नव रेखामय चक्र, योग का तात्पर्य जोड़ जोड़ करके आपने त्रिकोणों को बना के चक्र बनाया है, इसको योग कहते हैं। नव रेखा योगों से बना हुआ नव चक्र हो गया, प्रकाशित हो गया इत्यर्थ। योगिनिश्च विविधाय सन्ति, और इन नव चक्रों में रहने वाले योगिनी भी नव योगिनी है। नव योगी में नव का नाम अलग अलग देंगे, फिर एक एक में भी ग्रुप है, वो अकेली नहीं होती है, अनेकों का, पहले वाले 28 का एक गुट है एक नाम रख दिया, फिर दूसरे में 16 का एक गुट है उसको एक नाम रख दिया, ऐसे अलग अलग ग्रुप से ऐसे नौ ग्रुप है नौ चक्रों में, किसका क्या नाम है और उनके कौन कौन है कुल, ऐसा विस्तार रूपण आएगा फिर देखेंगे।